हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रागी रागी की इडली और साथ में बनाएंगे ये कोकोनट और बादाम की चटनी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये हाफ कप जितना रागी का आटा, एक चौथाई कप है ये सूजी। धीरे धीरे पानी डाल के हम मिला लेंगे। हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो पानी ज़्यादा डालने से क्या हो जाएगा, बैटर ज़्यादा रनी हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे करके ही पानी डालेंगे ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें। मैंने थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप जितना ही दही और इसे अब अच्छे से मिला लेंगे। बैटर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो अब मैं इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। हमें बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनानी है, ये ज़्यादा ना रनी होनी चाहिए और ना ज़्यादा थिक, बिल्कुल मीडियम वाली कंसिस्टेंसी होगी इसकी। और इसे हम रख देंगे अभी 15 से 20 मिनट तक रेस्ट होने के लिए ताकि सूजी थोड़ी फूल जाए। मैं इसमें मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट मिर्च को ना मैं इसमें से सीड्स निकाल लूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। इसमें सीड्स निकाल के हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। आप चाहे तो विद सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है तो। अब मैं इसमें जो जो सब्ज़ियाँ पड़ेंगी मैं उसको थोड़ा सा रेडी कर ले रही हूँ। मैं इसमें यूज़ करूँगी गाजर, मिर्ची और हरे मटर। आप इसमें और कोई भी सब्ज़ी, आपकी पसंद की सब्ज़ी छोटा छोटा काट कर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे गाजर इन्हीं का इस्तेमाल कर रही हूँ। और हाँ, आप प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज भी इसमें बड़ी अच्छी लगती है। मैंने थोड़े से मटर छीलकर हमाल दिस्ता में डाल लिया है। इसको कुछ नहीं, बस ज़रा सा हल्का सा हम क्रश कर लेंगे। क्रश करके हम इसे यूज़ करेंगे। मटर को मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। देखिए, अगर ना मटर के दाने मोटे मोटे रहते हैं ना तो वो इडली में ना बैठते नहीं है, वो खुल के गिर जाते हैं कई बार। इसलिए इसे क्रश करने से एक तो मटर भी ठीक से बैठेंगे और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बैटर 15 से 20 मिनट तक रेस्ट हो गया था। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इनो और इनो के ऊपर ही हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी करके हम इसे थोड़ा हल्के हाथों से चला लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, बस मिक्स करने है जितना हम इसे चला लेंगे। करके हम बैटर को और 2 मिनट तक रेस्ट होने देंगे। जो जो सब्जियां रेडी करके रखी थी वो अब हम सब इसमें मिला देंगे। बैटर रेडी हो गया है। अब हम इडली के मोल्ड को थोड़ा तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम मोल्ड में धीरे धीरे बैटर को डाल देंगे। मोल्ड में मैंने बैटर डाल के रेडी कर लिया है। अब मैं प्रेशर कुकर में इसे प्लेस कर दूंगी। प्रेशर कुकर में मैंने एकदम थोड़ा सा पानी लिया है, जस्ट उतना सा कि भाप बन के ये ऊपर आ सके। और हम इसमें अपनी इडली की मोल्ड डाल देंगे और हमको पकाना है 4 विसल तक। बिल्कुल 4 विसल तक हम इसे पकाएंगे, फिर रेस्ट होने देंगे प्रेशर रिलीज होने तक, फिर हम इसे खोल लेंगे। अब हम बना लेंगे चटनी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन को थोड़ा गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तेल गर्म हो गया है। इसमें मैं डालूंगी ये 3 से 4 लहसुन की कलियां और 1 हरी मिर्ची। इसको बस अच्छे से हल्के से हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से इसका कलर आ जाना चाहिए। चटनी बनाने के लिए मुझे और एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, वो है ये मूंगफली। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसके छिलके निकाल लिए हैं। इसको मिक्सी में डाल रही हूँ मैं। अब इस लहसुन और मिर्च को भी मैं इसमें डाल दूंगी। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, डालेंगे भुना जीरा का पाउडर। इससे ना टेस्ट का, इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये कुछ नारियल की गिरियां, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, करके हम पूरी चटनी को चला लेंगे। चटनी बिल्कुल रेडी है, बट थोड़ी सी थिक है तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के
इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे, क्योंकि इडली के साथ ना ज़्यादा गाढ़ी चटनी इतनी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा इसको मैंने पतला कर लिया है और अब ये चटनी बिल्कुल रेडी है। रागी का इडली बनके एकदम तैयार है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। रेडी है ये रागी की इडली, इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चे और बड़े सब इसे बड़े मज़े से खा सकते हैं। साथ ही ये चटनी के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। मैं फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की एक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।